मॉर्निंग, कैसा रहा सबका वीकेंड? अच्छा रहा? कोई बाहर तो नहीं गया घूमने? बाहर नहीं जाना है, घर पे ही रहना है और घर पे ही हमको एंजॉय करना है। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था अपनी? हमने लास्ट क्लास में बिना मात्रा वाले शब्द पढ़े थे जो हमारे पार्ट दो में हैं। उसकी हमने रीडिंग की थी और दो वर्णों को मिलाकर लिखना सीखा था और कठिन शब्द किए थे। आज हम उसी को आगे करेंगे, तीन वर्ण वाले शब्द लिखना सीखेंगे, चार वर्ण वाले शब्द मिलाकर लिखना सीखेंगे और हम पार्ट दो के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए करते हैं। आज हम सीखेंगे कि तीन वर्णों को मिलाकर कैसे लिखते हैं। हमने दो वर्णों को मिलाकर लिखना सीख लिया था, तो अब हम तीन वर्णों को मिलाकर लिखना सीखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे तीन वर्ण को मिलाकर? पहले हम लिखेंगे मा प्लस टा प्लस रा। तो हम इसको कैसे मिला के लिखेंगे? मा टारा मटर। तो ये हमारा बन जाएगा मटर। सेकेंड है हमारा का प्लस मा प्लस ला। और जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? कामाला कमल। थर्ड है हमारा ना प्लस गा प्लस रा। तो ये अलग अलग हैं, सारे हमारे जितने भी अक्षर हैं ये अलग अलग हैं। अब जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? नागारा नगर। फिर है हमारा फोर्थ चा प्लस मा प्लस का। तो ये क्या हुआ? मिला के चमक। फिफ्थ है हमारा का प्लस ला प्लस शा। तो ये क्या बन जाएगा मिला के? कलश। फिर हमारा नेक्स्ट है ना प्लस मा प्लस का। तो ये क्या बना हमारा? नमक। सेवेंथ है हमारा सा प्लस मा प्लस झा। तो ये क्या बन गया मिला के? समझ। वेरी गुड। अब तक तो मुझे लगता है कि सबको आ ही गया होगा मिला के लिखना कैसे लिखते हैं। एट है हमारा डा प्लस गा प्लस रा। तो ये क्या बन जाएगा? डगर। नाइन्थ है हमारा दा प्लस मा प्लस का। तो क्या बनेगा ये मिला के जब हम लिखेंगे तो? दमक। लास्ट है हमारा हा प्लस वा प्लस ना। तो ये क्या बना हमारा? हवन। ठीक है ना? तो ये हमारे हो गए तीन वर्णों को मिलाकर हम शब्द को कैसे लिखते हैं। ओके, अब हमारा टॉपिक है चार वर्णों को मिलाकर लिखिए। हमने दो वर्ण मिला के लिखना सीख लिया, तीन वर्ण मिला के लिखना सीख लिया। अब हम क्या सीखने वाले हैं? चार वर्ण को कैसे मिला के लिखेंगे। देखिए, टा प्लस मा प्लस टा प्लस मा। तो ये क्या बन जाएगा मिला के? टम टम। सेकेंड है ये आ प्लस ना प्लस पा प्लस रा। तो ये क्या बना? अनपढ़। थर्ड है ना प्लस टा प्लस खा प्लस टा। तो ये क्या बन जाएगा? नट खट। का प्लस सा प्लस रा प्लस ता। तो ये क्या बन गया मिलके? कसरत। फिफ्थ है हमारा ऊ प्लस पा प्लस वा प्लस ना। तो ये क्या बना हमारा? उपवन। नेक्स्ट है हमारा बा प्लस रा प्लस ता प्लस ना। तो ये क्या बना? बर्तन। हमने जब रीडिंग की थी ना, तो हमने दो वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द और चार वर्णों वाले शब्द पढ़े थे ना। ये वही सब चार वर्ण वाले शब्द हैं। सेवेंथ है हमारा आ प्लस फा प्लस सा प्लस रा। तो ये क्या बना? अफसर। नेक्स्ट है हमारा खा प्लस टा प्लस मा प्लस ला। तो ये क्या बना? खटमल। वेरी गुड। नाइन्थ है हमारा सा प्लस रा प्लस पा प्लस टा। तो ये क्या हुआ? सरपट। और लास्ट है हमारा दा प्लस ला प्लस दा प्लस ला। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा दल दल। तो ये थे हमारे चार वर्णों को मिलाकर लिखे हुए शब्द। अभी तक हम कर रहे थे कि हमारे पास अक्षर थे अलग अलग और हम उनको मिलाकर शब्द बना रहे थे। ठीक है ना? अब हमको क्या करना है? अब हमको इसमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, अब हमको उनको अलग अलग करके लिखना है। चलिए देखते हैं अब हम कैसे लिखेंगे। हमारा पहला शब्द है समझ। तो हम समझ को जब अलग अलग करके लिखेंगे तो हम देखेंगे उसमें पहले कौन कौन से तीन वर्ण हैं। तो हमारे पास कौन कौन से तीन वर्ण हैं? पहला सा है प्लस मा, फिर
फिर मा है और फिर झा है। तो हमारा जो ये समझ शब्द है ये तीन वर्णों से मिलके बना है। तो अब हम क्या करेंगे, सा के बाद में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर मा लिखेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और फिर हम झा लिखेंगे। तो ये हमारा जो समझ शब्द है इस तरह से हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा का, कमल शब्द है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे अलग करके, का प्लस मा प्लस ला। तो ये क्या हो गया, जब हम इसको अलग करके हम इसको ऐसे लिखेंगे और जब हम उसको मिला के लिखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कामाला कमल, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा शब्द दशरथ। अब हम दशरथ को कैसे अलग अलग कर पाएंगे, दशरथ में चार वर्ण हैं, तो हम उसको चार वर्ण को अलग अलग करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, दा फिर प्लस लगाएंगे, फिर शा लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर रा लिखेंगे और फिर प्लस लगाएंगे और लास्ट में था लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग करके लिख पाएंगे। फोर्थ हमारा क्या है, कसरत। ये भी हमारे चार वर्ण वाला शब्द है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, का प्लस सा प्लस रा प्लस ता। तो हम इस तरह से कसरत को, कसरत शब्द को अलग अलग करके लिख पाएंगे। लास्ट हमारा वर्ड है दलदल। अब हम दलदल को अलग अलग कैसे लिखेंगे, दा प्लस ला प्लस दा प्लस ला, है ना। तो इस तरह से हम दलदल को अलग करके इस तरह से लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे प्रश्न उत्तर। ठीक है ना, चलें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे। हमारा पहला प्रश्न है दो वर्णों वाले दो शब्द लिखो, है ना। हमको ऐसे दो शब्द लिखने हैं जिसमें दो वर्ण का प्रयोग किया गया हो। तो देखते हैं कौन कौन से हैं ऐसे शब्द। तो पहला शब्द है हमारा बासा बस और दूसरा शब्द है हमारा चाला चल। तो इसमें दो वर्ण का प्रयोग हुआ है, बा एक वर्ण है, सा एक वर्ण है, तो ये दोनों मिलकर एक शब्द बन गया, तो ये हो गया बस। और दूसरा शब्द हमारा क्या है, चल। ठीक है ना, इसमें भी दो वर्णों का प्रयोग किया है, चा है एक वर्ण और दूसरा वर्ण ला है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीन वर्णों वाले दो शब्द लिखो। पहले हमने दो वर्णों वाले दो शब्द लिखे थे, अब हमको तीन वर्ण वाले दो शब्द लिखने। तो चलिए कौन कौन से देखते हैं, याद करते हैं कौन कौन से तीन वर्ण वाले शब्द हो सकते हैं। पहला मैंने लिखा है मटर और दूसरा लिखा है मैंने कमल, क्योंकि इन दोनों में तीन वर्ण का प्रयोग किया गया है। पहले वाले में मा वर्ण है, टा वर्ण है और रा वर्ण है, तो ये तीन वर्ण है। सेकंड में भी का भी एक वर्ण है, मा भी एक वर्ण है और ला भी एक वर्ण है, तो ये तीन वर्ण हो गए। तो हमारे तीन वर्णों वाले दो शब्द कौन कौन से हो गए, मटर और दूसरा शब्द क्या हुआ हमारा, कमल। ठीक है, थर्ड प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है हमारा चार वर्णों वाले दो शब्द लिखो। अब हमको क्या लिखना है, अब हमको चार वर्ण वाले शब्द लिखने हैं, है ना। ऐसा शब्द लिखने हैं, ऐसे शब्द हमको लिखने हैं जिसमें चार वर्ण का प्रयोग किया गया हो। तो कौन कौन से थे हमने पढ़े थे, यहाँ पे मैंने दो ही लिखे हैं, वैसे तो हमने बुक में बहुत सारे पढ़े थे। तो हमने पहला कौन सा वर्ण लिया, पहला कौन सा शब्द लिया है चार वर्ण वाला, ऊ पा वा ना। तो ये चार वर्ण हुए और ये चार वर्ण जब हमने मिलाए तो क्या बन गया, ये उपवन बन गया। नेक्स्ट हमारा है नटखट। तो इसमें भी चार वर्ण है, कौन कौन से चार वर्ण है, ना है, टा, खा और टा। तो ये चारों वर्ण है और जब हमने इनको मिलाया तो ये शब्द बन गए। तो हमने चार वर्ण वाले कौन से दो शब्द लिए, हमने एक उपवन लिया और एक हमने नटखट लिया। ओके, क्लियर है सबको। अब हमारा लास्ट टॉपिक है श्रुति लेख। श्रुति लेख यानी के डिक्टेशन, आप इंग्लिश में उसको डिक्टेशन बोलते हैं और हिंदी में उसको श्रुति लेख बोलते हैं। तो जिस तरह से ये पेज मैंने छोड़ा हुआ है, इसी तरह से आप इसकी हेडिंग लिखेंगे श्रुति लेख और उसके नीचे लिखेंगे बिना मात्रा वाले शब्द, फिर उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे दो तीन चार वर्ण वाले शब्द, और इतना लिख के आप इस पेज को ब्लैंक ही छोड़ देंगे। जब हम स्कूल में आएंगे क्लासेस के लिए तब हम यहाँ पे श्रुति लेख
करेंगे। ओके, तब तक आप अपना ये कॉपी वर्क भी कंप्लीट करके आइएगा, जो मैंने आपको डेली एक हिंदी राइटिंग के लिए बोला है आप वो भी करेंगे, है ना। कोई भी अपना वर्क इनकम्प्लीट लेके नहीं आएगा स्कूल में, ठीक है। आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप उसको आराम से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना वर्क पूरा करिए, अच्छे से पढ़िए, सेफ रहिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।